नमस्कार इंडिया, स्वागत है विकिनीज बलिया। भारी बारिश से उमरगंज व जयपी नगर नई बस्ती जलमग्न, सड़क पर उतरे लोग। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में चार दिनों से हो रही अनवरत बारिश की वजह से चारों ओर हाहाकार मचा हुआ, अफरा तफरी बनी हुई। बारिश के कारण शहर के सटे उमरगंज, न्यू बहरी व जयपी नगर में आधी रात के बाद बरसाती पानी से अचानक पूरा इलाका जलमग्न हो गया। इससे मोहल्ले के सैकड़ों घरों में पानी भर गया। घरों में पानी भरने से लोग अफरा तफरी मच गई। रात के अंधेरे में लोगों ने किसी तरह घरों से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। सुबह प्रशासन की ओर से कोई सहायता न मिलने से नाराज ग्रामीणों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। टाइम के बीच गुप्ता बलिया जनपद में है, आइए बाहर क्षेत्र में आकर यहाँ हालत पूछते हैं। आगे क्या नाम पड़ेगा? जिस जगह आप लोग आए हुए हैं, ये जगह है उमरगंज जीती नगर नई बस्ती है यहाँ। और ये चूँकि बाढ़ की स्थिति यहाँ भयावह हो चुकी है, तो सरकार को ये चाहिए कि यहाँ पर जितनी जल्दी हो सके राहत सामग्री और जो भी व्यवस्था लोगों को दे सकते हैं वो तुरंत व्यवस्था करें। जी अभी तक कई क्षेत्र में बाढ़ आए हैं, क्या यहाँ पर कोई सरकार की सुविधा की सुविधा या किसी को कुछ दिया गया? अभी स्थिति जो है उसमें अभी सरकार की ओर से कोई सुविधा यहाँ प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन अभी तो बता रहे हैं कि नाव की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत से गाँव के अंदर ही उमरगंज के अंदर जो गहराई में मकान बनाए हुए हैं उनके मकान डूब रहे हैं, और ऐसी स्थिति में उनको राहत जल्द से जल्द पहुँचाने की प्रशासन की ओर से कोशिश होनी चाहिए। जी धन्यवाद आपका। मैं आइए दूसरे को, क्या आपका नाम पड़ेगा? जी यहाँ किसी बात खतरे की स्थिति क्या है, क्या सरकार के तरफ से कोई सुविधा आई है? अभी तक कोई सुविधा नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। वाटर सेविंग का वो है नहीं कुछ, प्लॉटिंग करवाते हैं। अब तक क्या व्यवस्था हो पाई है? गाँव की व्यवस्था आपके सामने कर दी गई, खाने पीने की व्यवस्था हो रही है, स्कूल में लोग शिफ्ट हो रहे हैं और टाइम से जनपद में आए हैं। सोनू गुप्ता टाइम टी वी से, आइए बाहर क्षेत्र को जायजा लेते हैं। क्या आपका नाम पड़ेगा? यहाँ की स्थिति क्या है? बहुत बुरा हाल हो गया, रात से इतना ज़्यादा पानी बैक आ गया है कि सब लोग घर में सामान कोई नहीं निकाल पाए हैं और सभी लोग परेशान हैं। हम लोग टीम से भी बहुत लोग को निकाले हैं बाहर। ये प्रशासन के द्वारा क्या आपको राहत? अभी तो कुछ नहीं, अभी तो एक आई है टीम, देखिए अधिकारी भी लोग आए हैं, घूम घाम कर गए हैं, एक नया आई है और उसके आगे देखिए क्या हो रहा है। आप इस मामले में क्या कहना है? जो बार छोटे प्रशासन है तो क्या है? कहना हमारा ये है कि प्रशासन इस काम को जिम्मेदार रखा है, आराम से दो तीन दिन से बारिश लगातार हो रही है और इसमें किसी प्रकार की सुविधा सरकार तक नहीं दी जा रही है। अब इस समय इतनी स्थिति भयावह हो गई कि सारे लोग अपना घर छोड़ करके और सारा सामान हो गया है। क्या जो लोग फंसे उनको निकाला गया उसी तरह मकान में? अभी तक तो कोई अपने लोकल आदमी अपने तैयार करके टीम के द्वारा निकल रहे हैं, अभी इस समय कोई सुविधा नहीं है। क्या नाम पड़ेगा? कितने घर? यहाँ तो पूरे इधर जो है 150 से ज्यादा डूब चुके हैं, और कुछ लोग फंसे हुए हैं निकालने के लिए। अभी तक कोई निकला नहीं है? अभी निकले हैं लोग, जिसको जिस तरह से निकाला गया, बाकी और बढ़िया उसको निकलवा दे। क्या आपका नाम पड़ा है? मेरा नाम पंकज श्रीवास्तव है, मैं जयपुर में रहता हूँ और यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं, चारों तरफ बाढ़ आया हुआ है, पानी है और यहाँ प्रशासन की तरफ से भेजा नहीं कराएंगे, इसकी वजह से लोग दाना करके हम मतलब उन लोगों को कुछ यहाँ पे कुछ ज्यादा ही कर बार गए, मतलब वो बार से कुछ ज्यादा ही प्रभावित घर जुड़ी हुई जा रही और पानी का असर और बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे रिक्वेस्ट करता हूँ प्रशासन से या फिर सरकार से भी जल्द से जल्द लोगों को काफी मौके फोन लगाए थे, तो एटीएम साहब आए हुए थे उनके द्वारा अभी तक कुछ मतलब नाव यहाँ पे आई है, जिसकी वजह से लोगों का आना जाना हुआ है, चालू हो रहा है और कुछ लोग मतलब उधर से आराम से आ रहा है जा रहा है। इससे पहले अभी जब तक एटीएम साहब नहीं आते तब तक लोग पानी में करीब मतलब कमर तक पानी में पानी के बाहर आ रहे थे वहाँ से और सारा सामान आ रहा है। कुछ लोग धन्यवाद। सोनू गुप्ता टाइम्स विकिनीज बलिया।